तो एक पहला फंक्शन हम लोग क्या देखें, फर्स्ट फंक्शन इज इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इंजुरीज, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, टू द सेल। तीसरे फंक्शन में आते हैं, इट हेल्प्स इन नर्व इंपल्स और वी कैन से न्यूरोट्रांसमिशन। नाम सुने हैं ना, न्यूरोट्रांसमिशन या नर्व इंपल्स, बच्चे स्टूडेंट्स फ्यूचर। यस सर, अभी हम कितना नाम बोल दिए, बच्चे स्टूडेंट फ्यूचर, सही है ना। सही, रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद इसके फोर्थ फंक्शन में आते हैं। थर्ड तो बता दिए, फोर्थ फंक्शन में जब आते हैं तो इसका फोर्थ फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एंटीजन स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, अब ये एंटीजन स्पेसिफिसिटी क्या होता है, एंटीजन स्पेसिफिसिटी विच हेल्प्स टू डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। कल ही हम लोग इस पर डिस्कस किए थे, याद है, ब्लड ग्रुप्स। yes, क्या sir. क्या था, ए बी, ए बी एंड ओ ब्लड, कल ही हम लोग चर्चा किए थे इस पर। हम लोग जेनेटिक्स जब पढ़ रहे थे तो यहां पर हम लिखे हैं एंटीजन स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब याद कीजिए, कल क्या बताए थे, हम लोगों के आरबीसी सेल्स ने, आवर आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, ये आरबीसी सेल है, इसके सरफेस पर इस तरह से ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है बच्चों। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्म करता है एंटीजेंस का, याद है कल हम लोग डिस्कस किए थे। यस सर, एंटीजेंस, और बताने की अब जरूरत नहीं है कि एंटीजेंस कितने टाइप का है, एंटीजेंस ए और एंटीजन बी, तो ये दो तरह का एंटीजन हुआ, और yes, इसी के बेसिस पर हम लोग अलग अलग ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, याद है, अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर दोनों एब्सेंट है, दोनों अगर एब्सेंट है तो ओ, एब्सेंट, यस वेरी गुड, तो ये हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन स्पेसिफिसिटी। अब ये बताइए, कल आप लोगों को हम बताए बोल रहे थे सेल बायोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन बायोलॉजी सब्जेक्ट, बिकॉज ये एक वर्सटाइल चैप्टर है, इसका कनेक्शन बहुत सारे अलग अलग चैप्टर से अटैच है, ठीक है। कल हम लोग इसको पढ़े थे जेनेटिक्स में भी और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हम लोग इसको पढ़े थे। तो ये एक्चुअल में फंक्शन किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा,
तो जो बच्चे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फंक्शन याद रहेगा वो आराम से मिनटों में बता देगा कि ब्लड ग्रुप का टाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप किस तरह से होगा। क्लियर हो गया? जी। चलिए इसको मिटा दें। यस सर। चलिए एक दो तीन चार, चार फंक्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं। सर? और कोई बताइए, याद करो, कोशिश करो याद करने का, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहीं गलत करो तो हम सब लोगों को डांटेंगे। सर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये मतलब एक टाइप की एनर्जी को दूसरे में भी कन्वर्ट कर देता है। एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है? नहीं, एक्चुअल में ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है। अच्छा एनीवे, चलिए कोई बात नहीं। सर ये फैगोसाइटोसिस पे भी मदद करता है। हाँ वेरी गुड। एंडोफाइटोसिस पे भी। यस करेक्ट, इसी को बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए चार फंक्शन हो गया। अब हम लोग फिफ्थ फंक्शन में आते हैं। फिफ्थ फंक्शन में जब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इसका फिफ्थ फंक्शन है कीमो रिसेप्शन। यहां ध्यान से समझिएगा अभी जो हम बताएंगे, कीमो रिसेप्शन है ना, कीमो रिसेप्शन। कीमो का मतलब कोई केमिकल, केमिकल, ठीक है। रिसेप्शन का मतलब तो पता है, रिसेप्टर के जैसा काम करता है ना, तो केमिकल के ये रिसेप्टर्स के जैसा एक्ट करता है। तो ये जो कीमो रिसेप्शन फंक्शन है ये कैसे होता है? द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां शॉर्ट फॉर्म में हम पीएम लिखे हैं, ठीक है। पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बाबू। द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्टेन द प्रोटीन कॉल्ड सिंपली, इसको हम लोग रिसेप्टर प्रोटीन भी बोल सकते हैं, और वी कैन से रिसेप्टर साइट। अलग अलग नाम है, या तो इसको रिसेप्टर प्रोटीन भी बोलो, और या नहीं तो आप इसको रिसेप्टर साइट भी बोल सकते हो, ठीक है। द सर्फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स द प्रोटीन दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर प्रोटीन और रिसेप्टर साइट, विच कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ओके, कॉमनली शुगर, एमिनो एसिड, विटामिन एटीसी आर परमिटेड। व्हाइल द फिनोलिक कंपाउंड, यहां ध्यान से समझिएगा, व्हाइल द फिनोलिक कंपाउंड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, ये इसका फंक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड कीमो रिसेप्शन। अब इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं, इजी से इसको आप समझ सकते हैं, इजीली आराम से। देखिए इसको मिटा दे, जरा इसको मिटा दे।
स्टूडेंट, इसको मिटा दें? यस सर। अब देखिए, हम एक डायग्राम बना रहे हैं। इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह फंक्शन कैसे होता है। हम यहां पर एक सेल को ड्रॉ कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि यह एक सेल है, ओके, और ये न्यूक्लियस है। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम इसको पीएम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके सरफेस पर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर कुछ स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उस प्रोटीन को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटीन है, ओके, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड रिसेप्टर साइट, या सिंपली आप बोल सकते हैं रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है। ये जो सेल है, इस सेल के बाहर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ये डायग्राम बना रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, किसका? दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ओके। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये सेल के बाहर प्रेजेंट, ठीक है बच्चों, ये सेल के बाहर प्रेजेंट है। तो ये सेल के अंदर जब आता है तो डायरेक्ट नहीं आता है, ये डायरेक्ट नहीं आता है, ये कैसे आता है? आप इसको इमेजिन कीजिए, ये ग्लूकोज सबसे पहले इस रिसेप्टर साइट के कॉन्टेक्ट में आता है, देख रहे हैं एरो मार्क से, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसके कॉन्टेक्ट में आया पहले? रिसेप्टर साइट का। अब ये रिसेप्टर साइट मैसेज भेजेगा, मैसेज सेंड करेगा, किसको मैसेज सेंड किया? न्यूक्लियस को। नाउ न्यूक्लियस विल डिसाइड दैट द पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड और द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। इन दिस सिचुएशन वी कैन इमेजिन दिस मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। When it will get entered in the cell, this is decided by nucleus. How the nucleus will decide? यहां देखिए, ये receptor site के contact में आया glucose molecule. ये receptor site किसको message भेजा? Nucleus को भेजा. अब ये nucleus decide करता है कि ये molecule हमको चाहिए या नहीं चाहिए. अगर ये molecule चाहिए तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल डायरेक्ट सेल के अंदर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? समझ रहे हैं? तो यहां पर ये जो रिसेप्टर साइट है, ये एक सिक्योरिटी एजेंसी का काम करता है। मतलब ये हर किसी मॉलिक्यूल को परमिट नहीं कर सकता है आने के लिए या जाने के लिए। बात समझ रहे हैं? हेलो, आदित्य, नेहा, दिव्यांशी। अच्छा आदित्य, आवाज आ रही है? आप लाइन पर रहिए, ठीक है। हाँ, आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ, आप लोगों से कुछ पूछेंगे। यहाँ हम कौन सा फंक्शन बता रहे हैं? इस फंक्शन का क्या नाम है? कीमोरिसेप्शन। कीमोरिसेप्शन, इसका मतलब क्या हुआ? किसी केमिकल के, किसी केमिकल कंपाउंड के फेवर में या उसके अगेंस्ट में। ध्यान से समझिए, किसी केमिकल कंपाउंड के फेवर में या उस केमिकल कंपाउंड के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्ड किया जाता है सेल के थ्रू, सेल के द्वारा जो रिस्पॉन्डिंग होता है, इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कीमोरिसेप्शन।
आदित्य समझ में आया बाबू? यस सर। अब एग्जांपल देते हैं आदित्य। यस सर। कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे? यस सर। अभी हम नहीं पिला सकते हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है पीने में? अभी हम नहीं पिला सकते हैं। हाँ, तो आप कोल्ड ड्रिंक आपको पीना पसंद है? यस सर। अब हमको पानी पीने दीजिए। हाँ आदित्य, तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है? हाँ सर। पानी पीना पसंद है? हाँ सर। अगर आपको जूस पिलाया जाएगा तो जूस पियेंगे? सर वो डिपेंड करता है कहे किस चीज का जूस है। मतलब फ्रूट का जूस, फ्रूट जूस अगर दिया जाएगा तो पियेंगे ना, शरबत दिया जाएगा तो पियेंगे ना। यस सर। जूस दिया जाएगा, शरबत दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, कोल्ड ड्रिंक दिया जाएगा, आप पी लेंगे, राइट? फिनाइल पियोगे? फिनाइल क्यों पियोगे? नेहा, दिव्यांशी, हेलो। यस सर। आवाज आ रही? हाँ, फिनाइल पीना पसंद करेंगे बाबू? फिनाइल पियेंगे? नो सर। क्यों सर? सब पीने वाली चीज नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, अब यहां से बायोलॉजी शुरू होता है। आदित्य, आप बोले कि वो पीने वाला चीज नहीं है, ये आप कैसे समझे, कैसे आपको पता चला? ये सब लोग कहते हैं, सब फ्रेंड ने कहा हमको। हाँ? अच्छा, आपके फ्रेंड ने बोला है? सर ब्रेन ने, ब्रेन। अच्छा, ब्रेन ने बोला। जहां तक हमको इंफॉर्मेशन है, हमारा ब्रेन लास्ट में परमिशन देता है, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड परमिशन देता है। तो ये बताइए कि अगर आपके सामने एक एक ग्लास में फिनाइल रखा जाएगा तो आप पियेंगे? नहीं सर। नो सर। अच्छा, क्यों क्यों नहीं पियेंगे? उसका सेंट खराब लगेगा ना? यस सर। यस। अच्छा आदित्य, मान लीजिए आपके नाक में सेलो टेप लगा दिया जाए, या चिमटा लगा दिया जाए, या नाक बंद कर दिया जाए। यस सर। पी सकते हैं क्या? तब तो पी सकते हैं ना, क्योंकि उसका सेंट तो आपको आएगा नहीं। तो टेस्ट तो आएगा। वेरी गुड। सबसे पहला सेंट, यानी कि हम लोगों का नाक, हम लोगों का ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन, ध्यान से समझिएगा आप जो हम पढ़ा रहे हैं। नाक यानी कि ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन, ये सूंघता है, ठीक है? अगर हम लोगों के नाक में सेलो टेप लगा दिया जाए या चिमटा लगा दिया जाए, तब तो हम लोग स्मेलिंग नहीं पकड़ पाएंगे। यस सर। अब आता है टेस्ट का बात। तो टेस्ट हम लोगों के कौन से पार्ट से डिटेक्ट होता है आदित्य? टंग से। टंग। हम लोगों का जीभ है? यस सर। ये जो जीभ है, अगर इस पे फिनाइल अगर आएगा तो खराब टेस्ट लगेगा, है ना? यस यस यस। अब इमेजिन कीजिए आदित्य, अगर आपके टंग पर, आपके जीभ पर अगर सेलोटेप साट दिया जाए तो क्या टेस्ट महसूस होगा? नहीं, महसूस होगा टेस्ट? नहीं सर। सेलोटेप याद रखिएगा। हाँ, अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी जो आप लोगों को हम अभी बात बता रहे हैं, ये आप लोगों को हंसी लगता होगा सुन के, लेकिन एक्चुअल में बायोलॉजी का यहीं से शुरू होता है सेंसेशन, ठीक है? यस सर। हम लोगों के बॉडी में बहुत सारा पार्ट एक्टिवेट होता है, बहुत सारा एक्टिवेटेड पार्ट होता है, बात समझ रहे? तो पहला चीज, हम लोग नाक बंद किए पी सकते हैं। अगर टंग पर अगर आएगा तो हम लोगों को खराब टेस्ट लगेगा आदित्य, ठीक है? यस। अगर मान लीजिए सेलोटेप साट दिया जाए टंग पे, जीभ पे, अगर जीभ पे सेलोटेप साट दिया जाए,
तो तब तो पता नहीं चलेगा हम लोगों को। yes, तो फिर भी तब क्या होगा, फिनाइल हम लोगों के बॉडी के अंदर आ जाएगा, एम आई राइट? यस यस सर। और जब हम लोगों के बॉडी के अंदर आएगा तो आप सुने होंगे कि ये पॉइजनस होता है, जैसे ही ये हमारे बॉडी में आता है तो इमीडिएट थोड़ी देर के बाद हम लोग वोमिटिंग करते हैं। यस सर। वोमिटिंग होता है ना, ठीक है? यस सर। या कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस आता है तो हमारा बॉडी जो है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। अब यहीं पर आता है ये फंक्शन, ये जो अभी पढ़ाए हम कीमोरिसेप्शन, इसका मतलब क्या हुआ? हम यहां पर थोड़ी देर पहले लिखे थे सुगर, विटामिन, एमिनो एसिड्स, दीज आर एक्सेप्टेड बाय द सेल, यानी ये सब केमिकल कंपाउंड को हमारा सेल एक्सेप्ट करता है। बट फिनोलिक कंपाउंड खास करके, क्योंकि वो पॉइजनस होता है बॉडी के लिए, तो फिनोलिक कंपाउंड्स आर रिजेक्टेड। बात समझ रहे हैं? क्यों रिजेक्ट yes. हुआ? क्योंकि हमारा सेल एक्सेप्ट नहीं करता है। अब आता है बात कि बहुत आदमी फिनाइल पी लेता है सुसाइड करने के लिए, सुसाइड कर लेता है फिनाइल पी के, सुने होंगे न्यूज बहुत सारा। यस सर। तो वो फिनाइल जो पिया तो वो फिनाइल हमारे बॉडी के अंदर गया, हमारा बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, नतीजा क्या होता है, वो पूरे बॉडी में पॉइजन जो है ना फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, सबको वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है? तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं कीमोरिसेप्शन, यानी किसी केमिकल के फेवर में या किसी केमिकल के अगेंस्ट जो हम लोग रिस्पॉन्डिंग करते हैं, इसी फंक्शन को बोला जाता है कीमोरिसेप्शन। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसी तरह से जैसे अभी कीमोरिसेप्शन बताए, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में आता है हार्मोन रिसेप्शन। हार्मोन रिसेप्शन, ठीक है बच्चों? अब देखिए, अच्छा पहली बात ये बताइए, अभी जो आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, आप लोगों के पास 11th क्लास का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है अभी साथ में सामने? हाँ सर है, हाँ, है? यस यस। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, तब तो हम आप लोगों को दिखा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं हार्मोन रिसेप्शन, ठीक है आदित्य? यस सर। जहां पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कीमो रिसेप्शन, है ना? यस सर। किसी केमिकल के फेवर में या उस केमिकल के अगेंस्ट में हम लोग जो रिस्पॉन्डिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड कीमो रिसेप्शन। सेम सिचुएशन यहाँ है, यहां पर क्या आ गया, हार्मोन रिसेप्शन, ठीक है? हम लोगों के बॉडी में बहुत सारा हार्मोन्स है, छोटा सा एग्जांपल देते हैं इंसुलिन, बात समझ रहे? तो इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन हार्मोन हम लोगों के बॉडी में कैसे फैलता है इसको समझिए पहले। सेम कंडीशन, अगर हम यहां ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जगह पे, अगर हम इसके जगह पर इंसुलिन अगर लिख दें, इंसुलिन हार्मोन, तब तो इजी होगा समझने में, आसान होगा आप लोगों को, ठीक है? अब यह हार्मोन डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं आता है। सेम सिचुएशन, किसके कांटेक्ट में आया पहले, रिसेप्टर साइट का। अब यह रिसेप्टर साइट डिसाइड करता है यह हार्मोन रिक्वायर्ड है या नहीं है। अगर यह रिक्वायर्ड है, जरूरत है अगर, तो यह हार्मोन अंदर आ जाएगा। इसी फंक्शन को बोलते हैं हार्मोन रिसेप्शन, ठीक है बच्चों? अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। हेलो, यस सर। आप लोग क्लास 11th की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें 5th यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है?
उस चैप्टर का सबसे उस यूनिट का जो सबसे लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसके लास्ट पेज को आप लोग निकालिए। कैसे निकालना? निकाल लिए हैं? हाँ निकल गया सर। लास्ट पेज निकालना है? हाँ सबसे लास्ट पेज निकालिए। गैस से निकालिए। लास्ट पेज में आप देखिएगा, लास्ट पेज में कोई डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम बनाया हुआ है, टॉपिक का नाम है। यस सर। हाँ जो डायग्राम दिया हुआ है उस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। यस सर। यस दिया हुआ है। यस सर। राइट। अब ये बताइए कि ये टॉपिक जो है अलग से उस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों? यस सर। अब होता क्या है कि हम आपको ये बेसिक्स आपको बता देंगे सेल बायोलॉजी पढ़ाते समय, ठीक है? हार्मोन रिसेप्शन फंक्शन बता दिए। अब आप डायग्राम को देखिए, एग्जैक्टली वही डायग्राम है जो मैंने बनाया। यस सर। है कहीं पर रिसेप्टर साइट दिया हुआ है डायग्राम में? यस सर, रिसेप्टर दिया है। दिया है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ने का तरीका अब समझ में आ रहा है? यस सर। एक टॉपिक पढ़ो और उसका कनेक्शन दूसरे टॉपिक से एक साथ जोड़ो, समझ में आ रहा है? खास करके जो 12 स्टडिंग वाले बैच हैं, इन लोगों को अगला साल नीट एग्जाम देना है, ठीक है? नेहा, दिव्यांशी, आप लोगों के पास समय कम है, बर्डन ज्यादा है, सही है ना? तो कैसे पढ़ना है ये तो आप लोग देख लिए, समझ लिए, बताए ना? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आदित्य आप लोगों को, हार्मोन रिसेप्शन। अब जब उस चैप्टर को हम लोग पढ़ाई करेंगे, बस उसमें थोड़ा सा सिर्फ ऐड करना है हार्मोन का केमिकल नेचर। हार्मोन जो है प्रोटीन का बना हुआ है या लिपिड्स का बना हुआ है या स्टीरॉइड्स का बना हुआ है या उसमें किसी तरह का मिनरल्स प्रेजेंट है, बस वही पढ़ना है। लेकिन उसके प्रोसेस में जब आते हैं कि कैसे कैसे हार्मोन डिस्ट्रीब्यूट होता है सेल टू सेल, तो उसको समझने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आदित्य? यस सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा ये टॉपिक हार्मोन रिसेप्शन, आराम से वो उस टॉपिक को क्लियर कर सकता है, ठीक है? फिर से बोलेंगे, कितना पढ़ते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैसे पढ़ते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वालिफाई करना है तो, ठीक है? अदरवाइज लेंदी प्रोसेस में जाइए, रट्टा मारिए दिन रात, उसको नोट्स को स्टडी मटेरियल को रटिए, कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेट आपको कॉन्सेप्ट पर आना ही पड़ेगा, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार समझ लिए तो उसको यूज करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हो आदित्य, नेहा, दिव्यांशी, आवाज आ रही है? जी सर। तो अभी अभी जो पढ़ाई, ये ठीक ठाक पढ़ाई ना, काम आया? यस सर। तो कितना बदमाश है आप लोग, बताइए, आप लोग थैंक यू भी नहीं बोले एक बार भी? अरे कम से कम थैंक यू तो बोल दो भाई। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट ईयर नीट का रिजल्ट दीजिए और जबरदस्त रिजल्ट दीजिए एकदम, वो सबसे मजा आएगा। तो अभी मेवा तो इलेवेंथ है। अरे कोई तो आपके साथ तो और प्लस पॉइंट है, आपके सामने तो 2 साल है आगे, 2 साल अगर आप यदि अच्छे से मेहनत करेंगे, आई एम गिविंग यू एश्योरिटी, फर्स्ट चांस में आप निकाल लीजिएगा, और वो भी अच्छे रैंक से। अच्छे रैंक से, हम सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे रैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है? और एकदम माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, डायग्राम्स को फॉलो कीजिए बायोलॉजी,
बिना डायग्राम्स का पॉसिबल नहीं है, ठीक है? यस सर। चलिए, हार्मोन रिसेप्शन हो गया, कीमो रिसेप्शन हो गया। अच्छा नेहा, हेलो दिव्यांशी। यस सर। हाँ बोल रहे थे बाबू, अभी अभी 11th वाला टॉपिक चल रहा है और 2 बजे से जो क्लास है ना आप लोगों का, ठीक है, तो आज आज हम नहीं ले पाएंगे बाबू, हमको थोड़ा सा भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है? हम okay. कल जो है 11-12 दोनों टॉपिक ले लेंगे, ठीक है? एज इट इज 12:30 बजे 11 और 2 बजे 12, थोड़ा सा हमको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, ठीक है? तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो एक बार हमको थोड़ा मिलने जाएंगे डॉक्टर से, तो इसलिए आप लोग को पहले ही हम इन्फॉर्म कर दिए, ठीक है? कल हम लोग 12:30 बजे 11th का और 2 बजे 12th का होगा, ठीक है? चलिए, कीमो रिसेप्शन हो गया, हार्मोन रिसेप्शन हो गया, और कोई फंक्शन आप लोगों को याद है, कुछ और भी बता सकते हैं? चलिए अब हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन में आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है? अच्छा अभी आप लोगों में से कौन बताया था कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है? सर मैं। दिव्यांशी बताई थी। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी जब आते हैं बाबू, तो यहाँ 3 टाइप्स का ट्रांसपोर्टिंग होता है। नंबर 1 इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके? दूसरा क्या है सर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और थर्ड क्या है? बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है? चलिए अब ये बताइए पैसिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? नेहा, दिव्यांशी, आदित्य। सर पैसिव ट्रांसपोर्ट उसे कहते हैं जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन और उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती सर, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हाँ सही बोले हैं, लेकिन इसमें और भी कुछ ऐड होगा, कुछ और भी ऐड होगा, थोड़ा सा याद कीजिए। नेहा, विश्वामरा, चलिए ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के केस में आते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे इट शोज द मूवमेंट ऑफ molecules from higher concentration to the lower concentration, ठीक है? किधर मूव कर रहा है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है? अगर हम इसको बोले इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक रहेगा? यस सर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? यहां पर आप ध्यान से समझिए, यहां मूवमेंट क्या हो रहा है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू
द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई से लो की तरफ जा रहा है, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनर्जी, विदाउट यूजिंग एनर्जी. अब यहां एनर्जी का फॉर्म क्या है सेल में, लिविंग सेल में, एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो यहां पर हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी, ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों. इसके बाद सेकेंड में था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे सर, इसके बाद उल्टा है, एकदम उल्टा है. हाँ, क्या होगा यहां होगा, इट शोज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. हाँ, वेरी गुड. यहाँ लोअर से हायर की तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ अकॉर्डिंग नहीं होगा सर, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट. वेरी गुड, वेरी गुड, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, बाय यूजिंग सर, ये एनर्जी करेगा यूज, डिपेंडेंट. हाँ, बाय यूजिंग एनर्जी, ये उल्टा है एकदम, मतलब ये लो से हाई की तरफ जाता है. आदित्य, आदित्य आपको ये समझ में आया? यस सर, यस सर. हाँ, आप इलेवेंथ में